दोस्तों यामा ने ब्राजील में अपनी नई एडवेंचर बाइक क्रॉसर 150 को लॉन्च किया है। छोटे इंजन की एडवेंचर बाइक को नए अवतार और फीचर अपडेट के साथ पेश किया गया है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही भारत में भी लॉन्च किया जा सकता है। भारत में लॉन्च होने पर इसका मुकाबला हीरो एक्सप्रेस 200 से होगा। यामा की यह बाइक काफ़ी प्रैक्टिकल है और एक कंप्यूटर बाइक के तौर पर भी उपयोग में लाई जा सकती है। यामा क्रॉसर 150 में नए डिज़ाइन का LED हेडलैम्प और LED टेल लैम्प के साथ पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कसोल दिया गया है, जो राइडर को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चार्ज करने की सुविधा देते हैं। इस बाइक को रफ एंड टफ अवतार के उतारा गया है, जो एडवेंचर राइड की चाहत रखने वाले बाइकर को खूब पसंद आती है। इसमें 149cc का 2-valve इंजन मिलता है, जो 12.2 bhp की पावर और 12.74 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है और इंजन को 5-speed गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसे पेट्रोल के अलावा एथेनॉल से भी चलाया जा सकता है। यह बाइक फ्लेक्स इंजन के साथ आती है, जिसको पूरी तरह से एथेनॉल से भी चलाया जा सकता है। एथेनॉल से चलने पर यह ज्यादा पावर जनरेट करती है। इस बाइक को ऑफ रोड का शौक रखने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। बाइक में आगे 19 इंच और पीछे 17 इंच के स्पोक व्हील लगाए गए हैं, जो बाइक को अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं। पहियों पर डुअल पर्पज मैनजेलर टूरेंस टायर लगाए गए हैं, जो ऑफ रोड और ग्रिप के साथ साधारण राइड के लिए भी बेहतर है। इसमें सामने में टेलीस्कोपिंग फोर्क सस्पेंशन और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन यूनिट दिया गया है। इसका कर्ब वर्जन केवल 134 किलोग्राम है। कंपनी इस बाइक को 2 वेरिएंट जेड और एस में पेश कर रही है। इसे जल्द ही भारतीय बाजार में भी लॉन्च किया जा सकता है। इंजन के मामले में यह हीरो एक्सप्लस 200 से मुकाबला कर सकती है। वहीं अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 1,60,000 तक हो सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।